बसंत बहार की आमद का ऐलान है। बसंत फसलों के पकने और कट जाने का पैगाम देती है। ये किसानों की मेहनत का फल आने का इशारा है। बसंत को वसंत पंचनामी भी कहा जाता है, यानी बहार का पांचवा दिन। ये पंजाब का त्यौहार है। इसमें पीले कपड़े और पीले खानों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हिंदुओं और सिखों की रीत से चलता चला आ रहा है। पंजाब में इस त्यौहार को मनाने का आगाज़ महाराजा रणजीत सिंह के दौरे हुकूमत से हुआ। ये बुनियादी तौर पर हिंदू तहजीब का हिस्सा समझा जाता है। पाक इंडो पंजाब के कई शहरों में, जिनमें अमृतसर, लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोधा और दीगर कई शहरों में इस त्यौहार को खसूसी ज़ोको शौक के साथ मनाया जाता है। क्याम पाकिस्तान के बाद भी यह त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार की तकरीबात का सबसे बड़ा मरकज पाकिस्तान का अजीम तारीखी शहर लाहौर है। लाहौर में बसंत का त्यौहार दिन से एक रात पहले ही शुरू हो जाता है और अगला पूरा दिन पूरी रात जश्न का समा रहता है। बसंत की तैयारियां बहुत दिनों से शुरू हो जाती हैं, जिसमें पतंगे, मांझे, डोर वगैरह ज़ेर फहरिस्त हैं। हवेलियां सज जाती हैं, मौसीकी की महफिलें शुरू होती हैं, मेले लग जाते हैं, पतंगों के साथ साथ और कारोबार भी शुरू हो जाते हैं। तरह तरह के खानों और मिठाइयों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। घरों की छतें आबाद हो जाती हैं। रात में सर्च लाइट की रोशनी में पतंगें उड़ाई जाती हैं और पेचे लगने शुरू हो जाते हैं। और ये जश्न ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के कई शहरों में शुरू हो जाता है।